इंडिपेंडेंट इंडिया शोकेसिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। बजट कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ है, इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में घोषणाओं के जरिए बताया है कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और क्या महंगा होगा। दरअसल उन्होंने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाए और घटाए जाने की बात कही। आइए जानते हैं कि इन घोषणाओं के चलते क्या होगा सस्ता और क्या महंगा। ये चीजें हुई सस्ती, जूते चप्पल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मशीनें, कृषि उपकरण, मोबाइल चार्जर, मोबाइल, कपड़े, चमड़े का सामान। ये चीजें हुई महंगी, छाता, शराब, कॉटन, खाद्य तेल, एलईडी लाइट। मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफॉर्मर और कैमरा लेंस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, वहीं घरेलू मोबाइल फोन चार्जर होंगे सस्ते। देश में असेंबल होने वाले मोबाइल भी सस्ते हो सकते हैं। घरेलू स्तर पर मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ केमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है, इसमें मिथेनॉल भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि ऐसा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी की छूट को एक और साल बढ़ाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिन पर असर पड़ा हो। दरअसल अब 90% चीजों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है। इसकी घोषणा बजट में की जाती है, इसीलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट जैसे शराब, चमड़ा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या घटाती है, जबकि कुछ पर एक्साइज भी लगाया जाता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।